पंजाब के लुधियाना में देर रात महिला पुलिस से भिड़ गई। आरोप है कि महिला ने चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मार दिया, साथ ही गाली गलौज की और वर्दी फाड़ दी। वहीं महिला पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने उसके साथ मारपीट की। इसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। पुलिस ने महिला पर केस दर्ज कर लिया है। वीडियो जीएनई कॉलेज के नजदीक का बताया जा रहा है। पुलिस चौकी मराडो के इंचार्ज अश्विनी कुमार पर एक महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर जसकिंद सिंह तेजा ने बताया कि चौकी इंचार्ज वो किसी जगह से रेड करके वापस आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोग आपस में बहसबाजी कर रहे थे, महिला साथ में मौजूद थी, इस कारण वो रुक कर मामला पूछने लगे। इतने में आपस में बहसबाजी कर रहे लोगों में से एक महिला ने उनके साथ गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। उस महिला को उन्होंने काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। चौकी इंचार्ज के मुताबिक उस महिला ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने महिला और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। अधिकारी के मुताबिक महिला ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी। महिला पूजा और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पंजाब के लुधियाना में देर रात महिला पुलिस से भिड़ गई। आरोप है कि महिला ने चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मार दिया, साथ ही गाली गलौज की और वर्दी फाड़ दी। वहीं महिला पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने उसके साथ मारपीट की। इसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। पुलिस ने महिला पर केस दर्ज कर लिया है। वीडियो जीएनई कॉलेज के नजदीक का बताया जा रहा है। पुलिस चौकी मराडो के इंचार्ज अश्विनी कुमार पर एक महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर जसकिंद सिंह तेजा ने बताया कि चौकी इंचार्ज वो किसी जगह से रेड करके वापस आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोग आपस में बहसबाजी कर रहे थे, महिला साथ में मौजूद थी, इस कारण वो रुक कर मामला पूछने लगे। इतने में आपस में बहसबाजी कर रहे लोगों में से एक महिला ने उनके साथ गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। उस महिला को उन्होंने काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। चौकी इंचार्ज के मुताबिक उस महिला ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने महिला और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। अधिकारी के मुताबिक महिला ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी। महिला पूजा और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पंजाब के लुधियाना में देर रात महिला पुलिस से भिड़ गई। आरोप है कि महिला ने चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मार दिया, साथ ही गाली गलौज की और वर्दी फाड़ दी। वहीं महिला पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि चौकी इंचार्ज ने उसके साथ मारपीट की। इसकी सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। पुलिस ने महिला पर केस दर्ज कर लिया है। वीडियो जीएनई कॉलेज के नजदीक का बताया जा रहा है। पुलिस चौकी मराडो के इंचार्ज अश्विनी कुमार पर एक महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। ज्वाइंट कमिश्नर जसकिंद सिंह तेजा ने बताया कि चौकी इंचार्ज वो किसी जगह से रेड करके वापस आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोग आपस में बहसबाजी कर रहे थे, महिला साथ में मौजूद थी, इस कारण वो रुक कर मामला पूछने लगे। इतने में आपस में बहसबाजी कर रहे लोगों में से एक महिला ने उनके साथ गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया। उस महिला को उन्होंने काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी। चौकी इंचार्ज के मुताबिक उस महिला ने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने महिला और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। अधिकारी के मुताबिक महिला ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी। महिला पूजा और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।